सो दोस्तों ओप्पो की के सीरीज़ के अंदर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों ओप्पो K9, जो कि दोस्तों अगर बात करें तो 5 मई के अंदर ही लॉन्च होना था। इसके दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन, कैमरा क्वालिटी और बैटरी क्वालिटी से रिलेटेड कुछ लीक्स आए हैं, तो इसी चीज़ के बारे में दोस्तों आज वीडियो में जाने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल टेक थोर में। दोस्तों इस चैनल पर आपको फोन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलती है, इस वजह से दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों ओप्पो K9 वैसे आज ही लॉन्च होना था, लेकिन दोस्तों अभी इसको थोड़ा डिले हो सकता है। वैसे दोस्तों डिले क्यों हो सकता है इस बारे में अभी कंपनी के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात की गारंटी ज़रूर है कि शायद ये रात तक लॉन्च हो जाए चाइना में। इंडिया का भी कुछ ऑफिशियल लीक नहीं है कि आज ही लॉन्च होगा या फिर दोस्तों 10 तारीख तक तो लॉन्च हो ही जाएगा मई में। अब दोस्तों हम इसके कुछ डिस्प्ले से रिलेटेड और चीज़ से रिलेटेड लीक जान लेते हैं, जो कि दोस्तों और वेबसाइट से या फिर ट्विटर के माध्यम से हमारे को पता चली है। सो दोस्तों ये एक बजट सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा स्मार्टफोन होगा, जो कि दोस्तों आपको 6.43 इंच तक के OLED डिस्प्ले के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि दोस्तों बेस्ड होगा 409 PPI पे। इसका एसेप्ट रेशियो दोस्तों का 20:9, जो कि दोस्तों आपको 1080x2400 पिक्सल तक का देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों स्मार्टफोन आपको मल्टी टच और कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा रेजोल्यूशन के बारे में, जो कि दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसका प्राइमरी कैमरा है 64 MP तक का, और दोस्तों दूसरा कैमरा इसका 8 MP का वाइड लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस, और दोस्तों थर्ड कैमरा इसका 2 MP का मैक्रो कैमरा। इस फोन का कैमरा रेजोल्यूशन है 9000x7000 पिक्सल, और वहीं पर दोस्तों इसकी सेटिंग के अंदर आपको एक्सपोजर का कंपनसेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ISO कंट्रोल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसका फ्रंट कैमरा को 32 MP तक का देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अंदर चिपसेट देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G वाला, जो कि दोस्तों प्रोसेसर होगा 8 कोर 2.8 GHz सिंगल कोर कैरियो 475 वाला। इस स्मार्टफोन का दोस्तों आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 64 बिट तक का। इसका ग्राफिक कार्ड दोस्तों एंड्रीनो 620 वाला है, जो कि दोस्तों आपको एक बहुत बढ़िया गेमिंग दे सकता है। 8GB रैम वेरियंट और 6GB रैम वेरियंट इसका इंडिया में लॉन्च होगा। अभी तक स्मार्टफोन की दोस्तों लीक्स बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन दोस्तों अब जो लीक्स है वो आपको थोड़ा दुख दे सकते, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बैटरी है वो 4300mAh तक की लीक के हिसाब से पता लगा, और दोस्तों 18 वाट के चार्जर के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि दोस्तों इस फोन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और दोस्तों स्मार्टफोन के अगर हम वजन के बारे में बात करें तो ये आपको 182 ग्राम तक का देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एक स्लीक बॉडी देखने के लिए मिलेगी। बैक साइड में दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि दोस्तों आपको एक ऑफिशियल लुक देगा इस स्मार्टफोन में। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 5G बेस्ड भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसके अंदर दोस्तों आप एक अच्छा फोन का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो ये था दोस्तों ओप्पो K9 की तरफ से एक लीक्स। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट सबसे पहले मिल सकें।